इनकम रिवील करना चाहते हैं कि अभी तक आप मतलब कितनी इनकम कर लेते हैं मंथली, अगर आप बताना चाहें तो हमारी अभी ऑडियंस तो को। फिलहाल, पहले तो पहले की इनकम की बात करें तो एक एक दिन में हमने जो है, फिर हमने अपने चैनल पे 45 लाख सब्सक्राइबर लगभग जो है अचीव किए हैं, जी, और गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन सब कुछ अचीव किया। लेकिन आपने स्टार्ट किया था यूट्यूब जर्नी, तो क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी कि नहीं? फैमिली तो ये बोलती थी कि पता नहीं पागल हो गया है, दिन भर रूम में घुसा रहता है। जी सोशल जी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो कुछ रास्ता नहीं था। तो यूट्यूब नज़र आ रहा था कि भाई लोग दिखा रहे हैं कि पैसे कमाते हैं, चलो हम भी करते हैं, कौन सा पैसा लग रहा है। हे गाइस, आज की इस इंटरव्यू में मैं एक ऐसे सर को लेकर आया हूं अपने चैनल पर जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद, काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, टोटल 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर करने के बाद अपने चैनल पर, लेकिन उनका चैनल डिलीट हो जाता है, फिर भी उन्होंने वापस अपना चैनल स्टार्ट किया। लेकिन गाइज, वो अपने YouTube की जर्नी से बहुत कुछ अचीव कर चुके अपने लाइफ में। एक बार आप ये वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होगा अंदर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहा, ताकि वो भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आकर्षित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे हमें मौका दिया। और जी जैसा कि आपने मुझे इस कैमरे पे तो नहीं, लेकिन कुछ देर पहले आपने जैसा कि कहा कि सर मुझे बिलीव नहीं था कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई देंगे या डायरेक्टली अपना नंबर दे देंगे। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, और आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक मेरे फैमिली के मेंबर हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर को अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ, और लोगों को सपोर्ट करना ही हमारा काम है। वो बात अलग है कि हम अकेले हैं और बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी जितना हो पाता है, जितने भी लोगों को हम सपोर्ट कर पाते हैं, उतने लोगों की करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, आप लोगों से कोलैब करके। और रही बात जर्नी की, तो जर्नी तो मैं इसलिए स्पेशली बताना चाहता हूँ ताकि जितने भी नए क्रिएटर हैं या फिर यंग जनरेशन है जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि एक इंटरव्यू वीडियो शूट कर लीजिए, जिससे कि आपकी ऑडियंस या हमारी ऑडियंस या फिर जो भी न्यू जनरेशन है जो भी यूट्यूब पे आना चाहती है, वो जो है अच्छा कर सके। जी जी सर, वैसे तो आपको सब लोग जानते हैं, किसी को मतलब बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ परसेंटेज है सर जो आपको नहीं जानती है, तो प्लीज आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे जी में। जरूर। ये तो मतलब आपने जैसे कि बात कही कि सब लोग जानते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। यूट्यूब पे मुझे लगता है कि ओनली 5% ही लोग हैं जो अभी हमें जानते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पे सभी लोग जानते तो आज मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया होता। लेकिन अपने कैटेगरी में जो यूट्यूब है या फिर ऑनलाइन अर्निंग है, उस कैटेगरी में काफ़ी लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं जानते हैं, उनको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम नित्यानंद कुमार है और मेरा चैनल है नित्या के सपोर्ट, जहाँ पे मैं आपको YouTube से रिलेटेड बताता हूँ कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग आप जो है YouTube पे चैनल बना के वीडियोस अपलोड करके कैसे कर सकते हैं। बस यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और करीब 6-7 साल हो गए हमें YouTube पे, और आज हम जो भी कुछ हैं सब YouTube की ही बदौलत है। जी जी सर, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे आपसे, बहुत बड़ा सपना था मेरा कि आपका इंटरव्यू कब लेंगे हम। जी जी और सर, आपकी जर्नी स्टार्ट कब हुई थी, आपको पता कब चला था यूट्यूब के बारे में कि यहाँ से भी आप इनकम कर सकते हैं? प्रदीप जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल टाइम में। तो मेरा भी एक सपना रहा करता था, जैसे अभी आप एक स्टूडेंट हैं और आप गांव में रहते हैं, तो जैसे आपका एक सपना है, वैसे ही मेरा भी एक सपना था कि मैं भी जो है अर्निंग करूं और अपने फैमिली को प्राउड फील कराऊं। लेकिन मुझे रास्ते कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे। 2014 में जब मैंने 12th जो है पास किया था, और उस टाइम पे मैं जो है हॉस्टल में था, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। 2000 या 1500 रुपये घर से मिलते थे, उसमें हॉस्टल भी मैनेज करना है, ट्यूशन फीस भी देनी है, और प्लस खाने का भी देना है, मतलब सब कुछ उसी 1500-2000 में मैनेज करना पड़ता था। तो जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो आदमी अलग अलग सोर्सेज ढूंढते हैं कि कैसे हम पैसे कमाएं, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि अगर 4000 रुपये अगर मैं कमा लूँगा ना,
तो मेरी लाइफ समझो सेट हो जाएगी, मतलब 4,000 रुपये में मैं अपना सब कुछ मैनेज कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मतलब ऐसा मतलब सोचता था मैं। उसके लिए मैंने अलग जी अलग जॉब करने की भी कोशिश की, बट कहीं पे भी वैसा सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि उस समय 4,000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। फिर एक जी दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रहा था, और YouTube देखते देखते एक सामने मेरी वीडियो आई कि YouTube से पैसे कैसे कमाए जाए। तो मैंने देखा कि जी यार पैसे कैसे कमाए जाते हैं, चलो देखते हैं वीडियो। फिर मैंने देखा चैनल कैसे बनाए जाते हैं। तो समझिए 2014 से लेके 15 के लास्ट तक, मतलब जनवरी 16 तक मैं वीडियोस ही जी देखता रहा कि कैसे जो है पैसे कमाए जाते हैं, यूट्यूब से कैसे काम किया जाता है। देखते देखते जी देखते देखते चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आने लगी। और एक बार जब चीज़ें समझ में आ गई ना कि हाँ अब कैसे क्या करना है क्या करना है, उसके बाद हमने वीडियो अपलोड करना शुरू किया 2016 जनवरी से। और 2016 जी के लगभग मार्च या अप्रैल, 3-4 महीने बाद जो है हमारी फर्स्ट पेमेंट आई थी। लगभग 100 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे, एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी, फिर उसी से पेमेंट जी आया, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, और वहाँ से चलता गया चलता गया। फिर हमने अपने चैनल पे 45 लाख सब्सक्राइबर लगभग जो है अचीव किए, जी और गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन सब कुछ अचीव किया। लेकिन कहा जाता है ना, हर समय किस्मत एक जैसी नहीं होती है। जी 2021 में कुछ पॉलिसीज इशू के कारण सितंबर में मेरे चैनल को जो है सो टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद मैं काफ़ी टूट गया था, काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन फिर से जी खड़ा हुआ और इस चैनल को बनाया, और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट प्यार मिला, और आज मैं यहाँ हूँ जी आप सबके सामने। जी जी बहुत अच्छी बात है सर। और सर इसके पहले जो आपका चैनल डिलीट हो गया, उसके पहले भी आप कई चैनल पर काम कर चुके थे कि वही आपका मेन चैनल था जो शुरुआत से आपने नहीं, स्टार्ट किया एक्चुअली था? जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो हमने बहुत अलग अलग तरीके के चैनल बनाए, जैसे सॉन्ग्स के जी चैनल जी बनाए, फिर हमने कुछ जैसे वीडियो को कट करके और जो दूसरों को वीडियो अपलोड किया जाता है वैसे चैनल बनाए। फिर धीरे धीरे जी सोचते सोचते हमने सोचा कि नहीं, खुद का कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम सीख रहे थे अलग अलग चीज़ें। और जी जब जी इंसान सीखता है, तो जैसे कोई इंसान नया यूट्यूब पे आता है तो पहले दूसरों की वीडियो कट पेस्ट करके अपलोड करता है, फिर उसे समझ में आता है कि जी कॉपीराइट क्या होता है, फिर जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो खुद का। तो वैसे सीखते सीखते जो है ना, 1.5-2 साल में हमने सीखा, और फिर हमने जेन्युइन कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। जी सर, जब आपने ये स्टार्ट किया था यूट्यूब जर्नी, तो क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी कि नहीं? फैमिली तो ये बोलती थी कि पता नहीं पागल हो गया है, दिन भर रूम में घुसा रहता है और जी क्या करता है पता ही नहीं चलता है, बस लैपटॉप पे जी वो करते रहता है, कोई गलत काम तो नहीं करता, कोई फालतू चीज़ें जी तो नहीं करता है, मतलब ऐसा फैमिली सोचती थी कि बिल्कुल पागल हो गया है। बट मुझे जी कहीं ना कहीं भरोसा था कि मतलब मैं कुछ, क्योंकि देखो मरता क्या नहीं करता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था जी आगे की पढ़ाई, की पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल जी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो कुछ रास्ता नहीं था। तो YouTube नज़र आ रहा था कि भाई लोग दिखा रहे हैं कि पैसे कमाते हैं, चलो हम भी करते हैं, कौन सा पैसा लग रहा है, कोई बिजनेस थोड़ी ना कर जी रहे हैं, इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, मेहनत ही तो लग रही है। तो फैमिली को जी बिल्कुल भरोसा नहीं था, और किसी के भी फैमिली को भरोसा नहीं होता है, भरोसा बच्चों को दिलाना पड़ता है, और आज सबसे ज़्यादा भरोसा मुझी पर है, बस वही चीज़ है। जी जी गाइज, इस बात पर लाइक बन जाता है क्योंकि देख रहे हैं आप सर कितना ज्यादा मेहनत की है। उनका एक चैनल जो डिलीट हो गया है, उसके बाद इन्होंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है और आज कितना अच्छा खासा काम कर रहे हैं। सर का बहुत सारा मैंने वीडियोस देखा है मोटिवेशनल, सर का मैंने घर देखा है, काफी अच्छा घर बनवाया है इन्होंने यूट्यूब के पैसे से, तो इस बात पर लाइक बन जाता है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो अर्निंग का सोर्सेस है वो क्या क्या, किस तरीके से आप अर्निंग करते हैं अभी यूट्यूब पर? देखिए, स्टार्टिंग में तो हमारे अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेस थे और अभी भी हैं, जी लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि पहले हम, मेरा चैनल जो था एप्लीकेशन से रिलेटेड था, एप्लीकेशन रिव्यू, मोबाइल गैजेट्स रिव्यू, ईयरफोन, मतलब टेक से रिलेटेड था। तो उसमें हमें काफ़ी सारे, एक तो हमारे यूट्यूब से अर्निंग हो जाती थी, फिर हमारे कुछ वेबसाइट थे वहाँ से भी हम अर्निंग करते थे अच्छे खासे। उसके जी बाद हमने हमने कुछ प्रोडक्ट भी बेचने शुरू कर दिए थे कंपनी के, एफिलिएट मार्केटिंग जिसे कहते हैं, तो कमीशन बेस पे हम जी प्रोडक्ट्स भी लिंक लगाते थे, तो उससे हमें जो भी कमीशन मिलता था, मतलब 10,000 का प्रोडक्ट बिका तो उसमें से 500-600 रुपये हमें मिल जाते थे एक प्रोडक्ट पे। जी उसके बाद फिर स्पॉन्सरशिप मिल जाते थे अच्छे खासे, रिव्यू यूनिट वाले, या फिर ये स्पॉन्सरशिप पैसे देते थे कंपनी की, इस गैजेट के बारे में वीडियो बना दे या इस एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बना दे।
तो वैसे वैसे अलग अलग सोर्सेस थे, पैसा काफी अच्छा खासा था उसमें और कमा भी रहे थे। और जी आज भी क्या है कि यूट्यूब से कमाते हैं और साथ में स्पॉन्सरशिप अगर मिल जाए तो उनसे कमाते हैं, अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग है उससे भी पैसे कमा लेते हैं। मतलब कुल मिला के अपनी मतलब चल जाती है, सारी सारे जगहों से अर्निंग हो जाती है, क्योंकि एक जी सोर्स बन जाता है तो फिर उसके बाद वहां से आप ऑडियंस को यूज करके और भी अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जी जी सर, ये आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि एक बार जब आपके पास ऑडियंस बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद आप कई तरीके से अपना, जैसे इंस्टाग्राम पेज हो गया, कहीं भी हाँ आप मोनेटाइज कर सकते हैं आराम से, इजिली, बस बस बस, एक बार क्योंकि आपको लोग जान क्योंकि गए। जी जी क्योंकि सर मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है, तो वो मैंने सतीश के वीडियो देखने के बाद स्टार्ट किया अच्छा था अच्छा उसे स्टार्ट, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पहले 2016 से काम कर रहा हूँ सर, अभी तक सक्सेस नहीं मिली थी। अच्छा अच्छा मैं जो है सतीश के वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ से मुझे सक्सेस मिला, थोड़ा बहुत इनकम आने लगी, तब मैंने फिर से ये चैनल स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ग्रोथ हो बहुत रही है अभी बहुत चैनल बहुत। की, और आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए प्रदीप जी, और होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने होप जी छोड़ दिया उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज आप जो जी करेंगे कल उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आप लगे हुए हैं जी बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं सक्सेस हुए तो आज नहीं हो पाएंगे। जी कहा जाता है ना कि जी किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो ये जी चीजें जो है मेहनत करते रहिए और जब सही समय आएगा तो आपको खुद पे खुद सक्सेस मिल जाएगी। और सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी इनकम रिवील करना चाहते हैं कि अभी तक आप मतलब कितनी इनकम कर लेते हैं मंथली, अगर आप बताना चाहें तो देखिए हमारी अभी ऑडियंस तो को। फिलहाल, पहले की इनकम की बात करें तो एक एक दिन में हमने जो है सो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने $2,000 का अर्निंग किया है उस टाइम पे, जब 2016-17 में हमने जब जी चैनल स्टार्ट किया था, तो उस समय की बात कुछ और थी। लेकिन आज की बात करें तो बस समझ लीजिए कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जी उतनी अर्निंग मैं अभी के डेट में कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत जी अच्छी बात है कि जितने आपके सब्सक्राइबर हैं अगर उतनी आप अर्निंग कर ले रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर आप देख ही सकते हैं कितने हैं, 2 लाख समथिंग जो हैं, जी उतनी अर्निंग अपनी हो सर, जाती है। जी आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को ताकि वो भी अच्छे से काम कर सके, ग्रो कर सके यूट्यूब पर? देखिए, टिप्स तो मैं अपने चैनल पे देता ही रहता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस है और जुनूनियत जी है कुछ करने की तो आप आइए, वेलकम है। और चीज़ों को अगर आप सोचेंगे कि आज करूँ कल रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ रहा होगा और आप अपना जी बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। पहले तो लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी नए नए यूट्यूब पे आना चाहते हैं, वो लोग सबसे पहले आए जी और ये सबसे पहले सीखना शुरू करें। यूट्यूब पे पहले सीखना जी बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी जितना पहले आप सीखेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। लोग क्या करते हैं, बस आए, वीडियो देखा और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहले सीखना पड़ता है, हमने भी 1 साल 1.5 साल तक तो सीखते ही रह गए। जब आप सीखते जी हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप एक प्रोफेशनल बनते हैं, और जितना आप प्रोफेशनल अपने काम में रहिएगा उतना ज़्यादा आपको जी सक्सेस मिलेगी। तो पहले सीखिए, चीज़ों को एब्जॉर्व कीजिए, समझिए और उसके बाद वीडियो बनाना शुरू कीजिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जी सर, जी एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे ताकि हमारी ऑडियंस मोटिवेट हो सके। जी सर आप अगर बताना चाहें तो आप अभी तक यूट्यूब से क्या-क्या बना चुके अपनी लाइफ में, बस इतना अगर समझ आप बताना लीजिए चाहें। कि प्रदीप जी, इंस्पिरेशन के लिए बता रहा हूँ कि जो आपने मेरे जो वीडियो में जो मेरा घर देखा है, वैसे मेरे जी पास जी एक नहीं, मैंने तीन तीन घर बना रखे हैं, और एक खुद का रेस्टोरेंट जी है और खुद का एक मैरिज हॉल है। मतलब उतना कर दिया है कि फाइनेंशियली आज के डेट में टोटली फ्री हूँ, कि लाइफ टाइम अगर कुछ ना भी किया जाए तो फिर भी जी जो है सो चलता रहेगा, लेकिन अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है। गाइस, इस बात पर लाइक बन जाता है तो देख सकते हैं आप सर बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपने लाइफ में, अगर वो शायद आप यूट्यूब ना भी करें तो वो अच्छी खासी इनकम कर सकते जी हैं। जी तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत हमारी बहुत ऑडियंस को बताना चाहा अपने बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, उनको मोटिवेट किया। जी, थैंक यू सो आपका मच भी बहुत सर। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, और जितनी भी ऑडियंस देख रही है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, प्रदीप भाई के भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब जी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं नित्या के सपोर्ट, और ये वीडियो देखने के जी लिए आपका दिल से धन्यवाद। गाइज, आपने देखा कि सर कितना ज्यादा मेहनत किए हैं, कितना ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, उसके बाद सक्सेस हुए हैं, और आप देख सकते हैं उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, कितना कुछ बड़ा कर चुके हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा, आपको भी बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ होगा यूट्यूब के बारे में। और गाइज, मैं ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो यहां पर लाता रहता हूं, इंटरव्यू लाता हूं कि कैसे लोग
कहीं भी किसी भी तरीके से अगर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो मैं आपको यहां पर बताता हूं ताकि आप भी सीख सकें, आप भी काम कर सकें। तो गाइज मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।